Hello, I am a CA final student and I am today recording lecture number 5 for chapter exemption for CA inter for Jan 2021 attempt. तो अब अपन revise करते हैं. तो अब हमारा जो point है वो है banking and financial services. तो इसमें आपको क्या point याद में रखना, services by RBI is exempt. Services by RBI, जो RBI services देता है वो exempt है, जो RBI को मिलती है services वो exempt नहीं है, that is taxable. ठीक है, अब आपको ये mind में रखना है. अब अपन चलते हैं next point की ओर, services by way of extending deposits, loans और advances, है ना. मैंने क्या किया, deposit दिया, loan से advantage दिया, और बदले में वो मुझे क्या मिल रहा है, interest है, discount मिल रहा है. मतलब मैंने क्या दिया, loan दिया और मुझे interest मिल रहा है. तो other than interest involved in credit card, तो इसका मतलब क्या हुआ, interest on credit card. अगर मैं मान लो credit card swipe करता हूँ और उसके ऊपर मुझे interest लगता है, उसकी हमला अगर मैं payment timely नहीं करता तो मुझे इंटरेस्ट लगता है, दैट इज चार्जेबल टू जीएसटी. मतलब इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इज चार्जेबल, लेकिन अगर मैं कोई लोन देता हूं या डिपॉजिट देता हूं या एडवांस लेता हूं और इंटरेस्ट लेता हूं बदले में, दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. इस पॉइंट पे आपको ना एक ईएमआई वाला सर्कुलर है, मैं आपको समझाता हूं. मान लो मैं फोन लेने गया, ठीक है, मैं फोन लेने गया सैमसंग के पास. अब मैंने सैमसंग को बोला कि मुझे ईएमआई पे फोन दे दो ये, है ना. तो अब सैमसंग ने मेरे से इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है, अब इंटरेस्ट चार्ज किया. अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो इस एंट्री में कवर होगा, कि एक्सटेंडिंग डिपॉजिट loans or advances and the consideration is represented by way of interest or discount. मतलब मान लो 40,000 रुपया normal phone था, अब वो EMI पे दे रहा है मुझे phone, तो उसने 11,000 की 4 installment बना दी, तो amount बन गया 44,000 रुपये. तो मतलब अब वो मेरे से 44,000 रुपये ले रहा है, मतलब Samsung वाला. तो अब आप ये बताओ कि जो GST लगेगा वो 40,000 के ऊपर लगेगा या 44,000 रुपये के ऊपर. तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है ना. तो सेक्शन 15(2)(d) है ना, अगर मैं 15(2)(d) पढ़ाऊं आपको, तो 15(2)(d) ऑफ द CGST एक्ट, 15(2)(d) क्या बोलता है कि IPL, है ना, IPL means interest, penalty and late fees, है ना, 15(2)(d) है ना, अगर ये पढ़ते हो, interest, late fees or penalty for delayed payment of any consideration for any supply will form part of the value of supply. अब इसमें क्या हो रहा, Samsung वाला मेरे से किस लिए पैसा ले रहा है, इंटरेस्ट के नाम पे पैसा ले रहा है ना, Samsung वाला इंटरेस्ट के नाम पे पैसा ले रहा है. तो वो क्या है, वो वैल्यू का पार्ट बनता है जब सप्लायर चार्ज करता है, ठीक है. तो ऑब्वियस ही बात है, देखो 15(2)(d) है ना, 15(2)(d) वैल्यू बताता है, वैल्यूएशन का रूल है. तो इस किसका मतलब क्या हुआ, अब जो टैक्स लगेगा वो 44,000 रुपए के ऊपर लगेगा, ना कि 40,000 रुपए के ऊपर. मान लो अब दूसरा केस समझते हैं अपन, ठीक है, मैं सैमसंग वाले के पास गया, सैमसंग वाले से मैंने 40,000 का फोन लिया. अब क्या हुआ, मैंने एग्रीमेंट किया, जैसे मान लो बजाज फाइनेंस के, ठीक है, बजाज फाइनेंस से मैंने एग्रीमेंट किया, बजाज फाइनेंस ने सैमसंग को 40,000 रुपए दे दिए, ठीक है. अब मैं बजाज फाइनेंस को 11,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, ठीक है, अब मैं 44,000 रुपए दे रहा हूं उसे, है ना. तो अब आप समझो हुआ क्या इस ट्रांजेक्शन में, बजाज फाइनेंस ने सैमसंग को पेमेंट करी कितने रुपए, 40,000 रुपए, मतलब सैमसंग को इतने रुपए मिले, 40,000 रुपए. तो उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बना, 40,000 रुपए, ठीक है. अब मैंने अब देखो बजाज फाइनेंस ने अब मुझे एक तरीके से लोन दिया है 40,000 रुपए का, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो मैं उसे जो पैसा दे रहा हूं वो क्या है, इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो दैट विल नॉट बी चार्जेबल टू जीएसटी. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो जो सप्लायर है वही आपसे इंटरेस्ट लेता है, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई. लेकिन अगर कोई थर्ड बंदा है जो कि सप्लायर नहीं है और वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट विल बी एग्जम्प्ट अंडर दिस एंट्री. फंडा ये है, फंडा आपको माइंड में समझ आना चाहिए अच्छे से, है ना, ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है. ये ईएमआई वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में. मतलब इसमें फंडा क्या है, अगर सप्लायर ही आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ साथ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मतलब 40,000 का फोन आपको 44,000 में बेच रहा है ऑन ईएमआई, देन द टैक्स विल बी लेविड ऑन 44,000. अगर ये कोई दूसरा पार्टी काम कर रहा है, मतलब सप्लायर को तो 40,000 रुपए ही गए और दूसरा बंदा एक तरीके से आपको फाइनेंस कर रहा है, मतलब मान लो बजाज फाइनेंस ने सैमसंग को 40,000 रुपए दे दिए और अब मैं इंस्टॉलमेंट जो दे रहा हूं वो बजाज फाइनेंस को दे रहा हूं 11,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट, तो फिर जो 4,000 रुपए जो हुआ वो इंटरेस्ट और डिस्काउंट है और वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. तो अब आपको फंडा समझना है, अगर सप्लायर अगर मुझे लोन या मतलब सप्लायर वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ, है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ मुझे इंटरेस्ट चार्ज करता है, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15(2)(d) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है. लेकिन अगर मान लो मैं किसी और बंदे से लोन लेता हूं, अब जैसे इस तरीके इसमें क्या हुआ, बजाज फाइनेंस से मैंने लोन लिया, दैट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, है ना. लेकिन अब आपको पॉइंट में क्या रखना है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड विल नॉट बी चार्जेबल टू जीएसटी, है ना.
अब आप समझो इंटर से सेल और परचेज मतलब या तो बेचना या खरीदना किसकी ऑफ फॉरेन करेंसी बिटवीन बैंक ऑन अनऑथराइज डीलर मतलब बैंक ऑथराइज डीलर बैंक या फिर ऑथराइज डीलर और ऑथराइज डीलर मतलब चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर ये आपस में सेल या परचेज करते हैं ऑफ फॉरेन करेंसी इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन इन है ना मतलब वैसे तो गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व करेंसी सर्विसेज ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड करेंसी लेकिन जब आप मैंने बताया था ना एक्सचेंज मतलब एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में जब करेंसी बदली जाती है तो उसे सर्विस माना जाता है ना। तो ये पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए। तो अगर इंटर से सेल और परचेज है बिटवीन बैंक एंड ऑथराइज डीलर इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर कोई बैंकिंग कंपनी बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट होल्डर को अगर सर्विसेज देती है अंडर PMJDY ठीक है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को अगर वो सर्विसेज देती है अंडर PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है ना। ये आपको पॉइंट समझाना चाहिए। अगर कोई अक्वायरिंग बैंक ठीक है 2000 रुपए की कंसिडरेशन देती है ऑन ए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चार्ज कार्ड और डिस अगर अब इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं मैं बिग बाजार मॉल में गया मैंने उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। अब देखो अब मान लो मेरा अगर वो अब जो क्रेडिट कार्ड जो स्वाइप किया अगर उसका अमाउंट 2000 या उससे कम है अप टू 2000 है मतलब 2000 या उससे कम ठीक है तो क्या होगा। अब देखो मान लो बिग बाजार की बैंक है आंध्रा बैंक ठीक है आंध्रा बैंक ने बिग बाजार को पेमेंट करी तो ऑब्वियसली बात है आंध्रा बैंक ना उसमें से कुछ पैसा मतलब उससे उसे कुछ कम पैसा देगी ठीक है मतलब कुछ पैसा चार्ज करेगी एक तरीके से ये समझ लो आप ठीक है। आंध्रा बैंक बिग बाजार से कुछ पैसा चार्ज करेगी तो अगर वो ट्रांजेक्शन अप टू रुपीज 2000 है मतलब अगर जिसका जो कार्ड स्वाइप हुआ था वो अप टू रुपीज 2000 है तो अक्वायरिंग बैंक क्या होती है जो पेमेंट करती है उस बंदे को जिसने कार्ड एक्सेप्ट किया है। जैसे हमारे एग्जांपल में मैं था मैंने कार्ड दिया बिग बाजार को और बिग बाजार ने अपने बैंकर के पास गया आंध्रा बैंक। अब आंध्रा बैंक ने पेमेंट करी बिग बाजार को ठीक है तो अब आंध्रा बैंक क्या है अक्वायरर बैंक है ठीक है। अक्वायरिंग बैंक अगर पेमेंट करता है अप टू रुपी 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन अप टू रुपी 2000 विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो मतलब अगर मान लो आंध्रा बैंक कुछ पैसे चार्ज करता है बिग बाजार से किस चीज के कि भाई उसने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करी उसे ठीक है तो ऑब्वियसली बात है डेट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट जो है वो अप टू रुपीज 2000 है। मतलब अगर मैं मान लो मैं जाता हूँ बिग बाजार में मैंने अप टू 2000 कार्ड स्वाइप किया अब मान लो 2000 की पेमेंट के लिए आंध्रा बैंक ने 50 रुपए लिए ठीक है तो वो एग्जम्प्ट है ना वो एग्जम्प्ट है क्योंकि वो वाली चीज अप टू रुपी 2000 था जो ट्रांजेक्शन था ट्रांजेक्शन अप टू रुपी 2000 था तो वो माफ है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब सर्विसेज बाय एन इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन अ मल्टी सर्विस एसईजेड विद आईएफएससी स्टेटस टू अ कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज इन करेंसीज अदर देन INR। इसका मतलब क्या हुआ कोई इंटरमीडियरी कोई अदर करेंसी में फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है टू अ कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और उसका जो इंटरमीडियरी लोकेटेड है वो आईएफएससी स्टेटस में लोकेटेड है मतलब वो आईएफएससी है। तो इसका मतलब अब देखो मैं आपको ना इसके लिए एक पॉइंट बताना चाहूंगा प्लेस सप्लाई हालांकि वो इंटरमीडिएट सिलेबस में है नहीं लेकिन तब भी मैं आपको बताता हूं इंटरमीडिएटरी में प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होती है जहां पे इंटरमीडिएटरी लोकेटेड होता है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा था ये प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाती और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो जाती और सप्लायर भी इंडिया है तो ऑब्वियसली बात है प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया है लोकेशन ऑफ सप्लायर भी इंडिया है तो जीएसटी लगता ठीक है तो जीएसटी लगता। तो अब इन्होंने सोचा लेकिन अगर आप देखो तो ट्रांजेक्शन मैं कस्टमर किसे दे रहा हूं आउटसाइड इंडिया सर्विसेज कहां पे हो रही फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया ठीक है और पैसा किसने आ रहा है अदर देन INR ठीक है तो ऑब्वियसली बात है ये बाहर वाली सर्विसेज है तो इसलिए गलती से प्लेस ऑफ सप्लाई भारत बन रहा था इसलिए इन्होंने बाहर कर दिया इस एंट्री और इसे एग्जम्पशन के थ्रू माफ कर दिया। इसके ऊपर गलती से जीएसटी लेवी हो रहा था इसलिए बाहर कर दिया। बस आपको ये पॉइंट माइंड में रखना इंटरमीडिएटरी सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई वहां होता है जहां इंटरमीडिएटरी लोकेटेड होता है तो इंटरमीडिएटरी कहां पे है आईएफएससी स्टेटस के साथ भारत में लोकेटेड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ भारत हुआ सप्लायर क्या हुआ भारत का हुआ तो जीएसटी विल बी लेविड। अब हालांकि सर्विसेज कार बाहर जा रही है क्योंकि ना मैं फॉर करेंसीज अदर देन INR में पैसा आ रहा है कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वो सर्विसेज जा रही है कौन सी सर्विसेज जा रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जा रही है तो ये आपको फंडा माइंड में रखना है ये आपको माइंड में समझ आ जाना चाहिए। अब जो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू RBI आर टैक्सेबल ठीक है ना सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय RBI इज एग्जम्प्ट ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट मींस इंटरेस्ट पेएबल बट डज नॉट इंक्लूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई लोन के लिए बैंक आपसे सर्विस फी लेती है या कोई अदर चार्जेस लेती है इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी बोरोड मतलब मान लो मैं लोन लेने गया बैंक अपनी प्रोसेसिंग फी लेती है जैसे मान लो लोन को प्रोसेस करने के लिए कुछ बहुत डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए बैंक हमसे चार्जेस लेती है दैट विल बी
chargeable to GST and it will not be exempt to from GST. मतलब processing fee लेती है, service fee लेती है, other charges लेती है in relation to मनी, ठीक है. मतलब इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड सर्विस फी और अदर चार्जेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब सर्विस फी और अदर चार्जेस के ऊपर लग जाएगा. सर्विस चार्जेस, फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस, ब्रोकरिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एंट्री चार्ज और सच लाइट फील्स और चार्जेस वुड बी आर नॉट एग्जम्प्ट एंड वुड रिप्रेजेंट टैक्सेबल कंसिडरेशन. ठीक है. अब मान लो इनवॉइस डिस्काउंटिंग. मान लो मेरे डेटर ने मुझसे, मेरे डेटर ने, मैंने एक बंदे को सेल किया, अब उससे मुझे पैसे लेने हैं, तो मैंने उसके जो पैसे है ना वो भी बैंक से ले लिए. ठीक है. तो अब बैंक ने मुझे थोड़े बहुत कम पैसे दिए, उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस. तो डिस्काउंट वो भी माफ होते हैं. ठीक है. इंटरेस्ट और डिस्काउंट. मतलब मान लो मैंने किसी बंदे को सेल करी, अब मैं बैंक के पास गया, बैंक जी मुझे कम पैसे दे दीजिए ना, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, इस बंदे से आप बाद में ले लीजिएगा, ये बंदा आपको पूरे पैसे देगा, आप मुझे अभी थोड़ा सा कम पैसा दे दीजिए, तो जो डिस्काउंट होता है वो भी माफ होता है. फंडा ये है. अब आप समझो मैंने क्या बोला था, ट्रांजेक्शन इज सिक्योरिटी इज नॉट लेवीएबल टू जीएसटी. ठीक है. क्योंकि सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, है ना. सिक्योरिटी इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज. तो ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी इज आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी, है ना. अब आप समझो कि अगर मान लो मैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी करता हूं या फिर कोई सेटलमेंट करता हूं इन रिलेशन टू स्टॉक मार्केट, अब उससे रिलेटेड इंटरेस्ट या डिलेड पेमेंट चार्जेस है. अब आप समझो कि अभी हमने क्या पढ़ा था, 15 2D क्या बोलता था, इंटरेस्ट आईपीएल. ठीक है. विल फॉर्म पार्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई. लेकिन अगर मान लो वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब वो सप्लाई, मतलब वो ना गुड्स है ना सर्विसेज है, तो ऑब्वियसली बात है उसका इंटरेस्ट या डिलेड पेमेंट जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या सेटलमेंट ऑब्लिगेशन के ऊपर लगता है. यहां पे मैंने ब्रोकरेज इसलिए हटाया है क्योंकि ब्रोकरेज गलत है, ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लगता है. ठीक है. और ऑब्वियसली बात है उसकी इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट चार्जेस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 2D. ये गलत पॉइंट है, ब्रोकरेज नहीं आना चाहिए यहां पे. ठीक है. सेटलमेंट ऑब्लिगेशन आनी चाहिए और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आना चाहिए. तो ये ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी है एंड accordingly is interest or delayed payment charges will be exempt from GST because it will not be covered under section 15 2D, है ना. अब आपको ये समझना है. चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन क्रेडिट कार्ड, मैंने आपको बोला है ना क्रेडिट कार्ड के ऊपर जीएसटी लगता है, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इज लायबल टू जीएसटी. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई बैंक टू आरबीआई वुड बी टैक्सेबल. ठीक है. ये पता है ना हमें, क्योंकि हमने पढ़ा था सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आरबीआई इज टैक्सेबल. ठीक है. अब लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज. ठीक है. तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप एन्यूटी मतलब वन टाइम पेमेंट लेते हो अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ठीक है. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज देता है, कौन देता है, आर्मी नेवल एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड, किसे देते हैं, अपने मेंबर्स को देते हैं. अब यहां पे एक पॉइंट ऐड और हुआ है, वो क्या है, पुलिस फोर्स वाले भी. ठीक है. तो आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स. ठीक है. आर्मी नेवी, नेवी जल, एयरफोर्स और आर्मी के साथ साथ पुलिस फोर्स भी आ चुका है अब यहाँ पे. तो अगर अपने बंदों को देते हैं मेंबर्स ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स एंड पुलिस, अब यहाँ पे पुलिस भी पॉइंट ऐड हो चुका है, तो अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ठीक है. सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है. कौन दे रहा है, नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू द क्रॉस गार्ड अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ठीक है. ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए. सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर द फॉलोइंग स्कीम. ठीक है. जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, ये आप पढ़ लेना. ठीक है. इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है कि माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें जो अमाउंट ऑफ कवर होता है वो अप टू रूपी 2 लाख होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको मान लो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो होता है जिसका अमाउंट अप टू कवर अमाउंट जो होता है वो अप टू रुपीज 2 लाख होता है. मतलब अगर पेपर में आपको जो कवर अमाउंट है वो 2 लाख से ऊपर दे दे तो जीएसटी विल बी लेवल्ड, है ना. ही आपको पॉइंट माइंड में रखना है, लाइफ इंश्योरेंस माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट. बट सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था इसमें. ठीक है. अब आप समझो कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज अगर सर्विसेज देती है इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. जैसे अगर ESIC या EPFO, ठीक है, या कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या NPS ट्रस्ट या IRDA, है ना, या SEBI, अगर ये बंदे सर्विसेज देते हैं, कोई भी सर्विसेज देते हैं, तो दैट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. तो ESIC, EPFO, कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, NPS, ठीक है, IRDA एंड SEBI, ठीक है. तो अगर ये कोई भी सर्विसेज देते हैं इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, it will be exempt from GST, है ना. अब अपन चलते जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में. ठीक है. अब अगर ये स्कीम्स है कौन कौन सी, अब ये नाम आपको पढ़ने हैं, बस एक बार रीडिंग देनी है इसके. ठीक है. अभी आप पढ़ लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है. अब इसमें एक अमेंडमेंट थी, वो थी इसमें एक नई स्कीम जुड़ी है, बंगला शस्य बीमा. ठीक है. बंगला शस्य बीमा, तो ये नई स्कीम ऐड हुई है. तो अगर आप देखो जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हो इन स्कीम के अंदर, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना, ऐसे
एक बार बस आप रीडिंग कर लेना, ठीक है। वैसे तो ये पेपर में टेस्ट नहीं होना चाहिए, बस आप अमेंडमेंट वाली याद रख लेना, बनला शस्य बीमा, तो ये माफ है, ठीक है। अब अगर अब आप समझो, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में मैंने क्या बताया था, माइक्रो और भी बहुत सारी सर्विसेज थी, ठीक है। अब आप समझो, री इंश्योरेंस लेते हो आप या तो GIC में या LIC में, मतलब या तो आप इसमें अगर मान लो कोई बंदा री इंश्योरेंस करवाता है तो री इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रीमियम पे होगा वो भी माफ है, ठीक है। एक तो इसमें और एक ये जो LIC वाली सर्विसेज थी, ये वाला भी आम आदमी बीमा योजना LIC वाली सर्विसेज। तो एंट्री नंबर 35 और 36 के रिलेशन में अगर आप री इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हो, दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, ठीक है। ये आपको पॉइंट समझ आ जाएगा। अब आप समझो कि अगर मैं कोई पेंशन स्कीम जो कि है अटल पेंशन योजना वाली स्कीम, उसके अंदर मैं कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन करता हूँ, मेरा काम क्या है, मैं कलेक्ट करता हूँ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, ठीक है। और इसके लिए मैं पैसे लेता हूँ बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी, या तो मैं अटल पेंशन योजना में कलेक्शन करता हूँ या मैं कोई भी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में कलेक्शन करता हूँ, दैट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, है ना। ही आपको पॉइंट माइंड में रखना है, ठीक है। अब आपको मैं देखो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर कोई भी बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देता है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। और सिमिलरली कोई एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विसेज देता है, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अब आपको क्या समझना है, समझना ये है कि अगर कोई BF या BC कोई सर्विसेज देता है टू अ बैंकिंग कंपनी इन रिलेशन टू एन अकाउंट ऑफ द अकाउंट इन द रूरल एरिया ब्रांच, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। मतलब अगर देखो BF या BC बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज देता है इन रिलेशन टू अकाउंट इन रूरल एरिया ब्रांच, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, ठीक है। अगर कोई इंटरमीडियरी सर्विसेज देता है टू BF और BC इन रिलेशन टू द A सर्विसेज, मतलब जो ऊपर वाली सर्विसेज है इसमें कोई पीछे वाला बंदा सर्विसेज देता है, देन इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। मतलब BF या BC बैंकिंग कंपनी को देता है इन रिलेशन टू रूरल एरिया ब्रांच, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। एंड सिमिलरली जो पीछे से इंटरमीडियरी मुझे कोई सर्विसेज देता है, मैं कौन हूं BF या BC, तो मुझे कोई सर्विसेज देता है इन रिलेशन टू रूरल एरिया ब्रांच रूरल एरिया अकाउंट, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। सिमिलरली यहां पे बिजनेस और BF और BC अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देता है इन रिलेशन टू रूरल एरिया ब्रांच, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। लेकिन यहां पे इंटरमीडियरी नहीं कवर है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी में इंटरमीडियरी नहीं कवर है और बाकी बैंकिंग कंपनी में इंटरमीडियरी कवर है। और आपको बस ये माइंड में रखना है, BF अगर बैंकिंग कंपनी को देता है तो RCM में टैक्सेबल है, एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। दो पॉइंट तो ये, और आपको ये माइंड में रखना BF BC बैंकिंग कंपनी इन रिलेशन टू रूरल एरिया ब्रांच एग्जम्प्ट है, इंटरमीडिएटरी भी एग्जम्प्ट है, BF BC इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया ब्रांच एग्जम्प्ट है, लेकिन इंटरमीडिएटरी एग्जम्प्ट नहीं है, यहां पे इंटरमीडिएटरी नॉट कवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये अपना पॉइंट हो जाते हैं सारे। अब अपन को, मैंने रिवर्स चार्ज का ऑलरेडी आपको बता दिया है वाला पॉइंट ना, कि रिवर्स चार्ज का क्या फंडा है। अब अपन चलते हैं, अब मान लो बैंक देखो BF और BC सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे कस्टमर को, तो ऑब्वियसली बात है वो, अब देखो बैंकिंग लॉज में ऐसा कानून है कि BF और BC ना डायरेक्टली कस्टमर से पैसा नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली बात है कौन पैसा लेगा, बैंक पैसा लेगा कस्टमर से, तो ऑब्वियसली बात है GST जो चार्ज करेगा वो बैंक चार्ज करेगा ऑन द अबव कंसिडरेशन, ठीक है, ऑन द अबव कंसिडरेशन। BF और BC अब क्या होगा, BF और BC अपना पैसा इससे लेंगे बैंकिंग कंपनी से, ठीक है, और बैंकिंग कंपनी ऑब्वियसली बात है रिवर्स चार्ज में पे करती है अगर BF ने सर्विसेज दी है, और BC फॉरवर्ड चार्ज में, क्योंकि एजेंट ऑफ BC टू BC इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बट BC टू बैंकिंग कंपनी इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एंड BC इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, ठीक है। और ऊपर वाली एग्जम्पशन एंट्री मायने में रखनी है, तो इसका मतलब बस कुछ नहीं है, क्लेरिफिकली पॉइंट है, इसमें बस ये है कि बैंकिंग कंपनी कोई भी चार्जेस लेगी कस्टमर से, तो ऑब्वियस ही बात है बैंकिंग कंपनी इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, एंड BF और BC हैज नो रोल टू प्ले इन इट, ठीक है, दे आर ओनली एन एजेंट, है ना, और वो पैसा इससे ले रहे बैंकिंग कंपनी से, तो बैंकिंग कंपनी विल अकॉर्डिंगली पे GST अंडर रिवर्स चार्ज। इस पॉइंट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब अपन चलते आगे, अब देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, है ना, अभी तो हमने पहले क्या पढ़ा था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, है ना। अब अपन चलते कौन कौन सी सर्विसेज, प्योर लेबर प्योर सर्विसेज, मतलब इसमें कोई भी मटेरियल इन्वॉल्व नहीं है, तो किसे दे रहा हूं मैं, गवर्नमेंट को दे रहा हूं या कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी इन रिलेशन टू एक्टिविटी अंडर आर्टिकल 243W 243G, ठीक है। जी फॉर ग्राम पंचायत, पंचायत वाला, और W मीन्स म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, W का उल्टा क्या होता है, M मीन्स म्यूनिसिपैलिटी, है ना। तो अगर मैं प्योर लेबर सर्विसेज दे रहा हूं,
रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को, ठीक है, गवर्नमेंट में क्या आ गया, CGSGUTLA, ठीक है। अब मैं जहां जहां पर गवर्नमेंट बोलूंगा वहां पे चारों पॉइंट आएंगे। तो अगर मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ इन रिलेशन टू आरटीएल 243G 243W, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। अब मैं अगर सिर्फ प्योर लेबर सर्विसेज नहीं दे रहा, प्योर सर्विसेज नहीं दे रहा, प्योर लेबर नहीं, प्योर सर्विसेज लिखो यहाँ पे, ठीक है, लेबर भी हो सकता है या फिर और कोई सर्विस भी हो सकती है, तो प्योर सर्विसेज है यहाँ पे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सर्विसेज के अलावा गुड्स भी दे रहा हूँ, लेकिन जो गुड्स की जो वैल्यू है ना वो अप टू नॉट मोर देन 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई, मतलब अप टू 25% ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई की जो वैल्यू अप टू दैट पॉइंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और वो भी माफ हो जाएगा टू सी गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी इन रिलेशन टू आर्टिकल 243G 243W, या तो प्योर सर्विस या फिर कॉम्पोजिट्स, मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें जो गुड्स की वैल्यू है वो अप टू 25% ऑफ द कॉम्पोजिट वैल्यू है तो उतना तक माफ है, ठीक है, फंडा ये है ना। अगर कोई फेयर प्राइस शॉप सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स और उनसे पैसा लेता है अंडर PDS सिस्टम, मतलब मैं सर्विसेज दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, क्या सर्विसेज दे रहा हूँ कि मैं फेयर प्राइस शॉप पे चीजें बेच रहा हूँ। अब मुझे ऑब्वियसली बात है मैं फ्री में तो काम करूंगा नहीं, तो मैं पैसा लूंगा गवर्नमेंट से, तो मैं अगर कोई गवर्नमेंट से पैसा लेता हूँ अंडर PDS सिस्टम अगेंस्ट इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन, तो दैट विल नॉट बी चार्जेबल टू GST। मतलब एक तरीके से क्या हुआ, मैं बंदा हूं, मैं फेयर प्राइस शॉप पे काम कर रहा हूं, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है मैं कुछ ना कुछ पैसा तो दूंगा ना गवर्नमेंट से, तो जो गवर्नमेंट से पैसा मुझे मिला इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST एंड इट विल नॉट बी चार्जेबल टू GST। अब आप समझो कोई भी इंश्योरेंस स्कीम जिसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर टोटल प्रीमियम, सारा प्रीमियम, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम जो थी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, मतलब मैं सर्विसेज किसे दे रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा हूँ, और जिसके अंदर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम जिसके लिए टोटल प्रीमियम जो दिया गया है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट कोई इंश्योरेंस स्कीम लेती है जिसके लिए पूरा पैसा गवर्नमेंट देती है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट फॉर विच द एंटायर कंसिडरेशन टोटल प्रीमियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इज पेड बाय द गवर्नमेंट, इट विल नॉट बी चार्जेबल टू GST है ना। सिमिलरली ऐसा पॉइंट है कि भाई मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूं टू द गवर्नमेंट और अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके लिए टोटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड कर रही है, तो इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST है ना। तो मतलब देखो इंश्योरेंस एंड ट्रेनिंग, दोनों पॉइंट, इंश्योरेंस एंड ट्रेनिंग, जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, मतलब मैं क्या दे रहा हूँ, इंश्योरेंस प्रोवाइड दे रहा हूँ गवर्नमेंट को या फिर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ गवर्नमेंट को और जो कंसिडरेशन है वो गवर्नमेंट दे रही है, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST है ना। सर्विसेज प्रोवाइड बाय द GSTN टू द गवर्नमेंट इज एक्सेंट फ्रॉम GST, मतलब हमारा जो GSTN पोर्टल है और जो गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है इट विल नॉट बी चार्जेबल टू GST। अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, कॉम्पोजिट सप्लाई में 25% तक गुड्स की वैल्यू हो सकती है, बस ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है, और इंश्योरेंस स्कीम और ट्रेनिंग पार्टनर वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट एंट्री, ये आपको माइंड में रखनी है, ठीक है, ये अपना पॉइंट हो जाता है। अब अपन चलते हैं लीजिंग सर्विसेज की ओर, ठीक है। अब देखो अपफ्रंट अमाउंट जो मैं लेता हूँ, सिर्फ अपफ्रंट अमाउंट, पीरियडिकल पेमेंट कवर नहीं है, क्या कवर है, सिर्फ अपफ्रंट अमाउंट कवर है इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 ईयर्स और मोर, ठीक है। अब मैं क्या दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल प्लॉट दे रहा हूँ, या प्लॉट दे रहा हूँ किस लिए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, मतलब मैं लॉन्ग टर्म लीज पे क्या दे रहा हूँ, प्लॉट दे रहा हूँ, इंडस्ट्रियल प्लॉट, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी, या फिर ऐसे प्लॉट जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस डेवलप होगा, ठीक है। अब जो अब कौन दे रहा है, कौन देने वाला कौन है, मैंने बोला प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HGIDC, ठीक है, या फिर जिस कोई ऐसी एंटिटी जिसने 20%, पहले यहाँ पे 50% हुआ करता था, अब वो 20% हो गया, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसमें 20% या उससे ज्यादा ओनरशिप है गवर्नमेंट की, है ना, टू, अब मैं देखो देने वाला कौन, HGIDC और या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसमें 20% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट की होल्डिंग है, किसे दे रहा है, टू अ इंडस्ट्रियल यूनिट और द डेवलपर्स इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस, क्या दे रहा है, इंडस्ट्रियल प्लॉट दे रहा है या फिर कोई प्लॉट जहां पे मतलब डेवलपमेंट होगा ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, दे किसे रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट या डेवलपर इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस, तो भाई वो भी आपका क्या माना जाएगा, वो आपका एग्जाम फ्रॉम GST है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कौन, HGIDC या फिर कोई एनी अदर एंटिटी, किसे दे रहा है, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट वाले को, है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट वाले को या फिर कोई डेवलपर को, तो और है ना HGIDC या कोई एनी अदर एंटिटी जिसमें 20% की होल्डिंग है वो किसे दे रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट या फिर डेवलपर इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस, क्या दे रहा है, प्लॉट दे रहा है फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट दे रहा है या फिर कोई प्लॉट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, इसका जो अपफ्रंट अमाउंट जो मिलेगा वो माफ है, ठीक है, अपफ्रंट अमाउंट जो है वो माफ होगा।
अब देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एजम्पशन द सीजी एसजी और यूटी शैल हैव 20% यहां पे भी 20% हो गया और मोर ओनरशिप इन द एंटिटी डायरेक्टली और थ्रू एन एंटिटी व्हिच इज होली ओन्ड बाय द सीजी एसजी और यूनियन टेरिटरी। मतलब अगर मेरी कोई एंटिटी है जिसमें मेरी 100% ओनरशिप है और उसके थ्रू मैंने 10% होल्ड कर रखा है तो वो भी 20 की लिमिट में काउंट होगा। मतलब मान लो मेरी एक होली ओन्ड सब्सिडियरी है उसके थ्रू मैंने 10% होल्ड कर रखा है और डायरेक्टली मैंने 10% होल्ड कर रखा है तो भी टोटल 20% माना जाएगा। ठीक है, ये फंडा है। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझना है ना। तो अब देखो अपफ्रंट अमाउंट क्या कौन दे रहा है, एसजीआईडीसी या फिर कोई एनी अदर एंटिटी जिसमें 20% की होल्डिंग है, किसे दे रहा है? किसी इंडस्ट्रियल डेवलपर को या फिर कोई ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट को या कोई डेवलपर ऑफ इंडस्ट्री इन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस। क्या दे रहा है? प्लॉट दे रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और अपफ्रंट अमाउंट जो होगा वो माफ हो जाएगा। ठीक है, जो अमाउंट है वो जरूरी नहीं है कि एक ही बारी में पे हो, वो डिटरमिन पहली बारी में होना चाहिए, डिटरमिन अपफ्रंट होना चाहिए। पेमेंट चाहे वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। मतलब मान लो 100 करोड़ रुपए देने हैं, वो डिटरमिन अपफ्रंट होना चाहिए, भले वो 100 करोड़ 5 इंस्टॉलमेंट में आ रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर देखो लीजिंग ऑफ एसेट्स, ठीक है, लीजिंग ऑफ एसेट कौन कौन से एसेट, वैगन्स, कोचेस, लोकोस बाई आईआरएफसी टू इंडियन रेलवे। आईआरएफसी किसे दे रहा है? इंडियन रेलवे को दे रहा है। क्या दे रहा है? वैगन्स, कोचेस, लोकोस, ये सारी चीजें दे रहा है। तो अगर ये जो एग्जम्प्ट है, ये क्या है? एग्जम्प्ट है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो लीगल सर्विसेज, ठीक है, लीगल सर्विसेज, अब देखो आपको मैंने ना ये वाले आप ना आरसीएम वाले चैप्टर में जाकर देखना, ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी वाले में, यहाँ पे भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। बड़ा सिंपल है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर कोई नॉन बिजनेस एंटिटी को देता है तो वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, या फिर कोई बिजनेस एंटिटी को देता है जिसका टर्नओवर अप टू सच अमाउंट जिसके लिए उसे टर्नओवर लेने की जरूरत नहीं थी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी माफ है। मतलब अप टू अ नॉन बिजनेस, टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी जिसे पिछले साल में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ था, तो उसके लिए भी माफ है। ठीक है, और तीसरी बिजनेस एंटिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी। ठीक है ना, अब यही वाला पॉइंट सेम टू सेम है सीनियर एडवोकेट के लिए। क्या अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, अदर देन अ बिजनेस है ना, तो अदर देन अ बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट है। टू अ बिजनेस एंटिटी विद जितना टर्नओवर, उसका टर्नओवर इतना ही था कि पिछले साल में उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं थी, तो वो भी माफ हो जाएगा। अदर देन अ बिजनेस एंटिटी माफ है। बिजनेस एंटिटी विद एन टर्नओवर अप टू रुपीज सच लिमिट एग्जम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, ये भी माफ है। तो ये भी सेम पॉइंट है। अब देखो इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट में एक और चीज माफ होती है, वो है कि अगर ये कोई आपस में सर्विसेज देते हैं, मतलब एडवोकेट एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म को, ठीक है ना, या जैसे मतलब फॉर्म एडवोकेट को या पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट को, है ना, जैसे मर्जी, मतलब आपस में जो मर्जी कॉम्बिनेशन बैठे, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना ये नया है। तो इसमें देखो बड़ा सिंपल है, टू अ नॉन बिजनेस एंटिटी ऑलवेज माफ। बिजनेस एंटिटी जिसका पिछले साल में इतना टर्नओवर नहीं था कि उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत थी, तो वो भी माफ। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट क्या हुआ, तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, सीजी एसजी यूटी एलए, वो भी माफ है। सीजी एसजी यूटी एलए गवर्नमेंटल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, वो भी माफ। ठीक है, तीन पॉइंट तो सब में है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, वो सिर्फ इसमें है जो इंडिविजुअल एडवोकेट है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, अदर देन अ सीनियर एडवोकेट। ठीक है, अदर देन अ सीनियर एडवोकेट अगर वो आपस में सर्विसेज देते हैं तो वो माफ होती है, भले ही इस बिजनेस एंटिटी या जो टर्नओवर है भले ही वो क्रॉस हो रहा है उस थ्रेशोल्ड को जिसमें उसे रजिस्ट्रेशन लेना था। मतलब ये आपस में सर्विसेज माफ है। अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे अगर एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म होता तो वो माफ होता, लेकिन वो तब माफ होता जब बिजनेस इस वाले पॉइंट में कवर होता, मतलब इस वाले पॉइंट में तब कवर होता जब उसके पिछले साल में इतना टर्नओवर नहीं था कि उसे रजिस्ट्रेशन लेना था, तो माफ हो जाता। लेकिन अगर वो इस वाले पॉइंट में नहीं कवर होता क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी है और वो अगर इस पॉइंट में नहीं कवर होता तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर टैक्स लगता रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। और हमने रिवर्स चार्ज में पढ़ा था कि एप्लीकेंट, लिटिगेंट, पेटिशनर इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं राम जेठमलानी जी से, मैं एक इंडिविजुअल एडवोकेट हूं, मैं सर्विसेज लेता हूं, किस किस के लिए लेता हूं, रिलायंस के केस के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो मैं राम जेठमलानी जी को पैसे दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर आरसीएम के ऊपर टैक्स लगना है। ठीक है, आरसीएम में टैक्स लगना है, क्यों? क्योंकि वो इस पॉइंट में कवर नहीं हो रहा। मान लो मेरा, मैं बिजनेस एंटिटी हूं जिसका टर्नओवर पिछले साल में उससे ज्यादा था, थ्रेशोल्ड से ज्यादा था, तो ऑब्वियस ही बात है तो मैं राम जेठमलानी, मतलब इसके ऊपर आरसीएम में टैक्स लगना है। ठीक है, अब आरसीएम में मैं तो दूंगा नहीं क्योंकि मैं तो एडवोकेट हूं, ठीक है, तो मुझे तो माफ करना है इन्हें, ऑब्वियस ही बात है, तो कौन टैक्स देगा इसके ऊपर? रिलायंस देगा। तो मतलब इसके लिए पॉइंट यह आता था, लिटिगेंट, पेटिशनर, एप्लीकेंट इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी। आप आरसीएम वाली वीडियो देखना, उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, मैंने यहां पर सिर्फ समराइज किया, ठीक है, ये अपना पॉइंट भी हो जाता है।
अगर मान लो स्पॉन्सरशिप करता हूँ मैं कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट ही जो किसने ऑर्गेनाइज किया है, इसके हम शॉर्टकट निकालते पैनिक, पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान ए से एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, ये सारी चीजें, एन से नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, आई से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सी से सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, अगर इनकी स्पॉन्सरशिप, ठीक है ना, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है, अगर मैं मतलब अगर ये बंदे है ना, अगर ये बंदे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, वैसे तो अगर आपको याद हो स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कोई भी पर्सन देता है टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म, इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, लेकिन ये स्पॉन्सरशिप माफ है, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कौन सी सर्विसेज? जो पैनिक ने प्रोवाइड करी है, पैनिक ने प्रोवाइड करी है इन रिलेशन टू द स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है, तो बाई वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाई दिस पैनिक, ठीक है, पंचायत युवा एंड क्रीडा और खेल अभियान ए से, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एन से, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है ना, आई से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, ये भी अपना पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब जो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज है, तो सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनएसडीसी सेक्टर स्किल काउंसिल, जो कि बनाया गया है एनएसडीसी द्वारा, असेसमेंट एजेंसी या फिर ट्रेनिंग पार्टनर, जो इन दोनों में से जो भी, इसके द्वारा या तो एसएससी या एनएसडीसी, ठीक है, इन दोनों में से एक के द्वारा जो बनाया गया, एनी सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनएसडीसी या एसएससी या असेसमेंट एजेंसी या ट्रेनिंग पार्टनर, है ना, जो कि अप्रूव्ड है बाय एनएसडीसी या फिर सेक्टर स्किल काउंसिल, ठीक है, तो ये स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, है ना, तो स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज में ये आपको पॉइंट माइंड में रखना, एनएसडीसी, एसएससी एंड असेसमेंट एजेंसी एंड ट्रेनिंग पार्टनर इन रिलेशन टू एनएसडीसी एंड एसएससी, ये आपका पॉइंट हो जाता है। अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, सर्विसेज बाय वे ऑफ असेसिंग बॉडीज, ठीक है, असेसिंग बॉडीज दे रही है सर्विसेज टू ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय वे ऑफ असेसमेंट, मतलब असेसिंग बॉडीज असेसमेंट कर रही है अंडर द स्किल डेवलपमेंट स्कीम, तो मतलब असेसमेंट बॉडीज क्या कर रही है, असेस कर रही है कितना स्किल डेवलपमेंट हुआ है, दैट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, और इसके लिए पैसा ले रही है, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, है ना। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, है ना, अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, है ना, मतलब अगर मैं इसके अंदर ट्रेनिंग दे रहा हूँ इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, है ना, अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अगर कोई आर्टिस्ट सर्विसेज देता है इन रिलेशन टू फॉल्क, ठीक है, या फिर क्लासिकल, मतलब हमारा इंडियन वाला, ठीक है, क्लासिकल, वेस्टर्न नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, फॉल्क या फिर क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक डांस एंड थिएटर, ठीक है, मैं म्यूजिक डांस और थिएटर में फॉल्क या फिर क्लासिकल आर्ट फॉर्म, आर्टिस्ट कौन सी सर्विस देगा, फॉल्क या फिर क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस एंड थिएटर, इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन रुपी 1,50,000, मतलब अगर इसका कंसिडरेशन क्या है, मतलब आर्टिस्ट कोई सर्विसेज दे रहा है इन फॉल्क या फिर क्लासिकल क्या म्यूजिक डांस एंड थिएटर, और जो कंसिडरेशन है वो अप टू रुपीज 1,50,000 है, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लेकिन 1,50,000 में क्या नहीं अप्लाई होता, जैसे मान लो, अब देखो फॉल्क या फिर क्लासिकल होना चाहिए, अगर मान लो वेस्टर्न म्यूजिक है तो इट इज टैक्सेबल, क्योंकि क्या होना चाहिए, फॉल्क या फिर क्लासिकल होना चाहिए, ठीक है, और 8,50,000 से अगर 1 रुपया भी ऊपर दिया तो पूरा 8 लाख, मतलब पूरा टैक्सेबल है, सिर्फ 8,50,000 से ऊपर वाला टैक्सेबल नहीं है, पूरा टैक्सेबल है, ठीक है, तो इसका फंडा ये है, ठीक है। तो अगर कोई वेस्टर्न म्यूजिक या कोई डांस, मॉडर्न थिएटर्स, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स, ठीक है, मतलब क्लासिकल या फिर फॉल्क होना चाहिए, ठीक है, और कंसिडरेशन होना चाहिए अप टू 1,50,000, ठीक है। लेकिन अप टू 1,50,000 भी अप्लाई नहीं होगा, किन के लिए, ब्रांड एम्बेसडर के लिए, मतलब ब्रांड एम्बेसडर को 1 रुपए के ऊपर भी एग्जम्पशन नहीं है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर के रुपए में, अगर मैं मान लो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और मैं क्लासिकल या फॉल्क आर्ट फॉर्म में परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या, म्यूजिक डांस और थिएटर, ठीक है, तो अगर मैं मान लो मैं क्या हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मैं भले ही 1 रुपया भी चार्ज करूँ तो भी मुझे टैक्स लगना चाहिए, ठीक है ना, टैक्स लगना चाहिए, ये फंडा है इसमें। मतलब ब्रांड एम्बेसडर हो तो जैसे मान लो दीपिका पादुकोण ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, तो इट विल बी टैक्सेबल। और पहली बात तो दीपिका पादुकोण क्लासिकल या फॉल्क उसमें करती ही नहीं है पार्टिसिपेट, है ना, तो मतलब आपको क्या देखना है, फॉल्क और क्लासिकल आर्ट फॉर्म जिसमें म्यूजिक डांस और थिएटर में, और कंसिडरेशन होनी चाहिए अप टू 1,50,000। लेकिन 1,50,000 कहाँ का अप्लाई नहीं होता, जहाँ पे आप ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है, जहाँ पे आप क्या हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है, ये फंडा भी हो गया। राइट ऑफ एडमिशन टू वेरियस इवेंट, एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू, जू में क्या नहीं आता, सर्कस नहीं आना, जू डज नॉट इंक्लूड अ सर्कस। सर्कस के लिए हमारे पास जो लिमिट है ना वो सिर्फ 500 रुपए है, ठीक है, इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने रुपए भी ले सकते हो, ठीक है,
म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड जू, ठीक है, इसमें तो जितने मर्जी रुपए लो वो माफ है, ठीक है। यहाँ पे सर्कस में क्या लिमिट है, 500 रुपए तक ही माफ है, मतलब 500 रुपए तक ही माफ है, अगर 500 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर गया तो पूरा टैक्सेबल, ठीक है। तो इसी फंडा है, ठीक है। सो दिस इज बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, जैसे ताजमहल, ठीक है, ताजमहल में एंट्री लेना माफ है, ठीक है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड जू, ये तो विदाउट लिमिट माफ है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट विदाउट लिमिट माफ है, लेकिन सर्कस, डांस और थिएटरिकल परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस है ना, स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, और रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट भी आ गया, मतलब आप ये समझो जो मर्जी स्पोर्टिंग इवेंट हो, अदर देन हो या RSE हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेनेटेरियम जहां पे कंसिडरेशन है, इट इज नॉट मोर देन ₹500, ठीक है, पर पर्सन, मतलब अप टू 500 पर पर्सन, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ये अपना पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब अपन समझते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी क्या होता है, IOA, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन है ना, ये आप नाम याद करना, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, फेडरेशन और अ बॉडी विच रेगुलेट्स अ स्पोर्ट एट एन इंटरनेशनल इवेंट, ये कुछ नहीं है, बस आप ये माइंड में रखना, सर्कस पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, जो भी परफॉर्मेंस टाइप इवेंट है जहाँ पे 500 रुपए तक ही है, ठीक है। देखो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में नो लिमिट, टाइगर जू, टाइगर रिजर्व, जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, म्यूजियम, नेशनल पार्क, नो लिमिट, लेकिन इसमें लिमिट है अप टू 500 रुपीज लिमिट है, ठीक है। अब आप समझो कोई अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी है और वो अपने ओन मेंबर्स को सर्विसेज देती है, क्या सर्विसेज देती है, जैसे मान लो वो मेंटेनेंस करती है और उनसे क्या पैसा लेती है, रीइंबर्समेंट लेती है ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब उनसे पैसा लेती है एज ए ट्रेड यूनियन, तो जितना मर्जी पैसा लिया वो माफ है, ठीक है, ट्रेड यूनियन में जितना पैसा लिया वो माफ है। फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब मान लो मैं ईओपी बीओआई हूं, मतलब मैंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन हूं, ठीक है, मान लो मैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन हूं और मैं पैसा लेता हूं एज ए ट्रेड यूनियन, तो विदाउट एनी लिमिट माफ है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसी चीज के लिए पैसा लेता हूं जो कि एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब मैं मान लो मैं किसी एसोसिएशन में ईओपी बीओआई हूं और मैं अपने मेंबर से पैसा लेता हूं, किस चीज के लिए पैसा लेता हूं, इलेक्ट्रिसिटी जो मैं लेता हूं है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी माफ है, तो ऑब्वियसली बात है जो मैंने पैसा लिया वो भी माफ हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, तो जो मैं पैसा लेता हूं वो भी माफ होगा, ठीक है। अप टू एन अमाउंट ऑफ रुपीज 7500, मतलब 7500 रुपए तक अगर मैं पैसा लेता हूं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी इन अ हाउसिंग सोसाइटी और अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मतलब मान लो आपने देखा होगा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, वो आपसे पैसा लेते हैं किस चीज का, अगर आप देखो इसमें क्या होगा, देखो अगर कोई चीज माफ है फ्रॉम जीएसटी तो उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर आप एज ए ट्रेड यूनियन पैसा लेते हो तो उसके लिए भी लिमिट नहीं है, लेकिन आप हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए ले लेते हो तो सिर्फ 75 अप टू 5000 पर मंथ है, ये अमाउंट जो है वो पर मंथ पर मेंबर है, ठीक है, पर मंथ पर मेंबर, ठीक है। तो अगर आप पर मंथ पर मेंबर 7500 तक का अमाउंट लेते हो, कौन लेते हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, तो वो माफ है। तो अगर मान लो अगर मैं 7500 से 1 रुपया भी ज्यादा लेता हूं तो होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन अब आपको माइंड में एक चीज रखनी है कि जो रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड होता है वो 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए। तो अगर मान लो उसका जो टर्न ओवर है टोटल जो 7500 रुपए से ऊपर वाला अमाउंट है, मतलब देखो अप टू 7500 तो माफ है, ठीक है। अब आपने देखो 20 लाख की जो थ्रेशोल्ड जो होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें हम क्या देखते हैं एग्रीगेट टर्न ओवर, तो हमें टोटल टर्न ओवर जोड़ना है। अगर वो 20 लाख से ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली बात है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखो दोनों कंडीशन होनी चाहिए, 7500 से ऊपर भी होना चाहिए अमाउंट, और उसका जो थ्रेशोल्ड है, मतलब देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूं, अच्छे से समझाता हूं 2 मिनट को, अगर देखो मान लो अगर वो 7500 से रुपए ज्यादा लेता है, ठीक है ना, 7500 से ऊपर लेता है और उसका जो टर्नओवर है वो भी 20 लाख से ज्यादा है, मतलब इसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत भी है, तो ऑब्वियसली बात है क्या एग्जम्प्ट होगा, नहीं होगा। अगर ये 7500 या कम है तो ऑब्वियसली बात है एग्जम्प्ट होगा, भले ही इसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तब भी, ठीक है। अगर मान लो अगर इसका टर्नओवर 20 लाख से नीचे है और जो ये पैसा लेता है वो 7500 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है एग्जम्प्ट तो नहीं बोल सकते हम इसे, लेकिन इसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसके ऊपर, इसे एग्जम्प्ट नहीं बोल सकते अपन, लेकिन इसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 7500 से है ऊपर, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो 7500 या कम है तो ऑब्वियसली बात है वो तो एग्जम्प्ट ही है, तो मतलब फंडा क्या है 7500 या उससे नीचे है तो ऑब्वियसली बात है वो एग्जम्प्ट है, 7500 या उससे 7500 से ऊपर है तो वो टैक्सेबल तभी ही है, मतलब जीएसटी उसके ऊपर तभी देना पड़ेगा जब आप
रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्रॉस करते हो, ठीक है, तो 7500 पर मंथ। तो ट्रेड यूनियन के लिए कोई लिमिट नहीं है, इस ऐसी सर्विसेज के लिए कोई लिमिट नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूं। अब आप देखो जो 7500 की लिमिट है ना, इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। फॉर मेन पार्ट ऑफ द मंथली मेंटेनेंस बिल रेज बाय द ऑनर्स मेंबर वुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द एफोर्सेड लिमिट। पता है क्यों? क्योंकि तो मैंने आपको चीज बताई, जो चीज माफ है ना, जो चीज माफ है, अगर मान लो RWA सर्विसेज लेता है इलेक्ट्रिसिटी की और वो अपने मेंबर से चार्ज करता है, तो देखो ऐसी सर्विसेज जो EOP BUI अपने मेंबर से चार्ज करता है और जो एग्जम्प्ट है, ठीक है, फॉर द प्रोविजन ऑफ कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी व्हिच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी, इट इज एग्जम्प्ट, ठीक है, मतलब RWA इज नॉट चार्जेबल टू, मतलब RWA चार्ज नहीं करेगा टैक्स फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी टैक्स विल नॉट बी इंक्लूडेड विद इन द लिमिट ऑफ 7500, ये आपको पॉइंट माइंड में रखना है, ठीक है। अब आपको बस ये पॉइंट माइंड में रखना है, वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर्स, प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्री, जहां पे वो पैसा जो है ₹1000 पर मंथ पर मेंबर पर ईयर, ठीक है, पर मेंबर पर ईयर, यहां पे जो लिमिट है पर ईयर है, यहां पे पर मंथ पर मेंबर है। यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया, वो ये है कि अगर मान लो एक ही बंदे के दो घर है तो ऑब्वियसली बात है 7500 वाली जो लिमिट है वो दो घर के लिए देखी जाएगी, मतलब जो आपके लिए लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी ₹15000। मतलब अगर मान लो मेरे दो घर है तो वो ये नहीं माना जाएगा मेंबर में एक ही हूं, ऑब्वियसली बात है हाउस वाइज मेंबर्स होते हैं रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के ना, RWA के जो मेंबर्स होते हैं ना वो हाउस नंबर वाइज होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर मेरे दो घर है तो मेरी जो लिमिट होगी वो 15000 हो जाएगी, तो जितने घर उतने ज्यादा लिमिट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि अगर इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल लेबर या फार्मर हो तो आपकी ये जो पैसा जो लेती है EOP BUI, ठीक है, अपने मेंबर से, और वो मेंबर कौन है, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल लेबर या फार्मर, ठीक है, या फिर कोई ऐसे बंदे जो प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री, और जो चार्जेस लेती है वो ₹1000 पर मेंबर पर ईयर, तो देन इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये आपको फंडा समझना पड़ेगा। अब आप समझो कि अगर आप ₹1 भी ज्यादा ले लेते हो 7500 से, तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ठीक है, एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल एंड नॉट ऑन रुपीज बैलेंस अमाउंट, मतलब नॉट ऑन एक्सेडिंग अमाउंट बट एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। अब अपन चलते हैं अदर एग्जम्प्ट सर्विसेज की ओर। अगर मैं अपना बिजनेस ट्रांसफर करता हूँ एज अ गोइंग कंसर्न, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इसका एग्जांपल यही हो गया, मैंने अपना बिजनेस बेचा, अब क्या हो रहा है वो बिजनेस कंटिन्यू होगा, तो ऑब्वियसली बात है जो स्टॉक बचा है उसके ऊपर टैक्स पे हो गया बाद में, तो ऑब्वियसली बात है जो अभी मैंने ट्रांसफर किया है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मतलब तो फंडा क्या है, फंडा ये है कि अगर मान लो कि बाद में उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अब जो स्टॉक बचा है अगर वो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसके स्टॉक के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब उसके ऊपर जो मतलब अब जो मैंने ट्रांसफर किया है उसको उन्होंने माफ कर दिया, क्यों, क्योंकि जो बचा हुआ स्टॉक है उसके ऊपर टैक्स पे होना है। अगर मान लो बिजनेस ट्रांसफर नहीं होता एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब मैं मान लो बिजनेस डिसकंटिन्यू करता हूं, तो फिर आपको प्रोविजन माइंड रखने सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 के। 29 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, जब आप कैंसिलेशन कर रहे हो रजिस्ट्रेशन का तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, या तो इनपुट टैक्स या फिर आउटपुट टैक्स ऑन दैट गुड्स, व्हिचएवर इज हायर, मतलब या तो जितना इनपुट उस पे लगा या फिर अगर आप उसे आज बेचो तो ये कितना टैक्स बनता है, व्हिचएवर इज हायर यू हैव टू पे, तो आपको माइंड में रखना है। अगर मैं एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है जब वो बाद में स्टॉक बिकेगा तो जीएसटी लगेगा, तो वो है ना, तो जीएसटी लगेगा, तो ऑब्वियसली बात है तो जब बाद में बिकेगा तो अभी वाला जो मैंने ट्रांसफर किया है उसे माफ कर दो, तो ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लेकिन अगर मैं मान लो बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, आई एम डिसकंटिन्यूइंग द बिजनेस, देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट विल बी अट्रैक्टेड एंड द जीएसटी इक्वल टू इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स विच इज हायर विल बी पेड। अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके ऊपर एक सर्कुलर भी था, वो क्या सर्कुलर था, मान लो एक प्रोपराइटर है, ठीक है, मैं प्रोपराइटर था, अब मान लो मेरी डेथ हो जाती है और मेरा बेटा बिजनेस कंटिन्यू करता है, तो अब देखो ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न हो गया, ठीक है, ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न हुआ तो ऑब्वियसली बात है जीएसटी विल नॉट बी लेविड, ठीक है। अब लेकिन मान लो मैं मर गया, ठीक है, और मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो अब टैक्स विल बी पेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29 सबसेक्शन 5, अब क्योंकि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है और अब जो बचा हुआ स्टॉक है उसके ऊपर टैक्स पे नहीं होगा, तो क्या कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, ITC और आउटपुट टैक्स व्हिचएवर इज हायर यू हैव टू पे, ठीक है। तो मतलब आपको महीने में रखना है, अगर एज अ गोइंग कंसर्न है तो एग्जम्प्ट है, अदरवाइज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 विल बी अट्रैक्टेड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे ITC और आउटपुट टैक्स व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। अब आप देखो ट्रांजिट कार्गो की अगर मैं सर्विसेज देता हूं, है ना,
रिलेटेड टू नेपाल एंड भूटान। अब देखो नेपाल एंड भूटान में ना कोई भी सी नहीं है, तो सारा माल भारत के थ्रू जाता है। तो अगर मैं कोई भी सर्विसेज देता हूँ इन रिलेशन टू ट्रांजिट कार्गो रिलेटेड टू नेपाल एंड भूटान, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग करता हूँ, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है ना। अभी आपको माइंड में रखना है, अगर कोई होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट सर्विसेज देती है और उसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो अप टू रुपी 1000 है, पहले बिलो रुपी 1000 था, अब बिलो हटा दिया गया है, तो अब क्या मंदिरों में सिर्फ बिलो रुपी 1000 है, मतलब मंदिरों में 1 रुपये चंदा चढ़ता है और बिलो रुपी 1000 होता है, ठीक है। लेकिन होटल में कोई चंदा नहीं चढ़ता, तो इसलिए जो लिमिट हो गई वो 1000 रुपये पर डे और इक्विवेलेंट है। तो अगर आप होटल, इन, गेस्ट हाउस 1000 रुपये या उससे नीचे लेते हैं, देन इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, है ना। मतलब बिलो रुपी, बिलो हटा गया है, अब यहाँ पे अप टू रुपी 1000 है, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा हायर पे देता है, किसे हायर पे देता है, सर्विस प्रोवाइडर किसे हायर पे देता है, टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ठीक है। अब क्या चीज देता है, कोई ऐसा व्हीकल जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर जा सकते हैं, है ना। मैं किसे दे रहा हूँ, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जिसमें कितने बंदे जा सकते हैं, मोर देन 12 पैसेंजर, मतलब 13 पैसेंजर है, उससे ज्यादा जा सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं टू अ जीटीए दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब अगर मैं मान लो मैं कोई भी बंदा हूँ, मैं किसे दे रहा हूँ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कर रहा हूँ मैं, बाई गिविंग ऑन हायर, ठीक है। किसे दे रहा हूँ मैं, पैसेंजर व्हीकल दे रहा हूँ टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर जा सकते हैं, मतलब 13 या उससे ज्यादा, ठीक है ना। या फिर मैं किसी जीटीए को दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं ऐसी स्कूल को दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्कूल जो कि प्री स्कूल एंड हायर अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल है, और वो अपनी सर्विसेज दे रहा है टू स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, मतलब मान लो मैंने एक बंदे को दी और वो सर्विसेज दे रहा है टू अ स्टूडेंट स्कूल, है ना। मतलब मान लो अगर मैं किसी बंदे को मोटर व्हीकल दे रहा हूँ फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, ठीक है, टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, मतलब मान लो ए ने बी को दी और बी स्कूल को सर्विसेज दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बी ने जो स्कूल को सर्विसेज दी वो तो माफ है, क्यों, क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ इज एग्जम्प्ट। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो अप टू प्री स्कूल एजुकेशन एंड अप टू सीनियर हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक है, ठीक है। ये तो हमने एजुकेशन वाले एंट्री में पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इससे पीछे वाला बंदा जो होता है वो इसे रेंट पे देता है वो भी माफ होता है, ठीक है। तो क्या क्या माफ है, मैंने बोला बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा किसी को हायर पे देता है और वो जो लेने वाला है वो कौन है, या तो एसटीयू है और वो उसने कोई पैसेंजर व्हीकल लिया है इसमें 12 बंदे से ज्यादा जा सकते हैं तो वो माफ है, ठीक है। या फिर मैंने उसे जीटीए वाला व्हीकल दिया, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला कोई व्हीकल दिया तो वो माफ है। या फिर कोई पैसेंजर व्हीकल है जो कि यूज होगा किसी और बंदे के द्वारा, जिसे मिला है किस लिए यूज हो रहा, कि वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो सर्विसेज दे रहा है वो दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, इट विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड हुआ था कि अगर कोई बंदा सर्विसेज देता है टू अ लोकल अथॉरिटी, क्या देता है उसने, वो हायर पे देता है इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल, मतलब मैं क्या दे रहा हूँ, किसी बंदे को हायर पे दे रहा हूँ, किसी बंदे को मतलब लोकल अथॉरिटीयों में हायर पे दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, लोकल अथॉरिटीयों में हायर पे दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर जा सकते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ना हर देखो यहाँ पे पहले वाले में भी पैसेंजर व्हीकल था, दूसरे वाले में गुड्स व्हीकल था, तीसरे वाले में भी पैसेंजर व्हीकल था और चौथे वाले में भी पैसेंजर व्हीकल है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकल होना चाहिए, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने जा रही है। तो अगर कोई बंदा लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल देता है जिसमें 12 से ज्यादा बंदे जा सकते हैं तो देन है ना, देन जो वो रेंटिंग चार्जेस लेगा लोकल अथॉरिटी से तो वो माफ है, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा टोल चार्जेस लेता है तो वो माफ है, अगर वो टोल चार्जेस ना लेके एक एन्यूटी बना लेता है, मतलब जैसे पास बनता है ना साल भर का, तो वो भी माफ होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी अगर वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कर रही है तो देन इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी कोई दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एप्लीकेशन फी, रेंटल चार्जेस ऑफ मीटर, ठीक है, टेस्टिंग फीस, लेबर चार्जेस, चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल, तो ये सारे चीज क्या है, टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्ट नहीं है। मतलब क्या एग्जम्प्ट है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी माफ है, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं दैट विल बी टैक्सेबल, एप्लीकेशन फी, रेंटिंग फीस, ठीक है, टेस्टिंग फीस, लेबर चार्जेस, ये सारी चीजें। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, ठीक है। अगर कोई इंक्यूबेटी इस साल में अप टू रुपीज 50 लाख कोई सर्विसेज देता है, अगर कोई इंक्यूबेटी अप टू रुपीज 50 लाख कोई सर्विसेज देता है तो वो माफ है, अगर उसका पिछले साल में जो टर्नओवर था वो अप टू रुपीज 50 लाख था
एंड और उसे 3 ही साल हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू एन एग्रीमेंट एज इंक्यूबेटिंग, मतलब दो कंडीशन सेटिस्फाई होने की है, पिछले साल उसका जो टर्नओवर था वो अप टू ₹50 लाख होना चाहिए और उसे अभी 3 ही साल हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रिंग इनटू एन एग्रीमेंट, अब उसका जो माफ है ना वो अप टू ₹50 लाख माफ है, मतलब अप टू अ टोटल ऑफ टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख, मतलब अगर 50 लाख से जो ऊपर जाएगा ना उसके ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब पिछले साल में भी 50 लाख देखना है और इस साल में भी अप टू ₹50 लाख माफ है, 50 लाख से अगर ₹1 ऊपर जाता है तो ₹1 के ऊपर टैक्स है, पूरे 50 लाख के ऊपर टैक्स नहीं होता पुराने वाले के ऊपर, ठीक है, तो अगर ₹1 ऊपर जाता है तो अप टू ₹50 लाख माफ है, तो मतलब इस साल में अप टू ₹50 लाख माफ है, अगर पिछले साल में आपका अप टू ₹50 लाख टर्नओवर था और अभी आपको 3 ही साल हुए हैं, ठीक है, ये फंडा है। अगर FSSAI वाली सर्विसेज है ना, अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्विसेज देती है बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस टू फूड बिजनेस ऑपरेटर, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, ठीक है, अगर कोई TBI या स्टेप, ठीक है, TBI स्टेप जो रिकॉग्नाइज है NSTEBDJ या बायो इंक्यूबेटर जो BIRAC से रिकॉग्नाइज है, अगर वो कोई सर्विसेज देते हैं तो वो माफ है, मतलब TBI स्टेप रिकॉग्नाइज है NSTEBDJ से और जो बायो इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज है वो है BIRAC से, अगर वो सर्विसेज देते हैं तो इट इज एग्जम फ्रॉम GST, ठीक है। देखो, कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज, ठीक है, बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मतलब मैं खुद प्रेस वाला बंदा हूं और मैं बोलूं मैं न्यूज कलेक्ट करूंगा, आई विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, मतलब यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ बुक्स पब्लिकेशन है ना, और एनी अदर नॉलेज एनहेंसिंग कंटेंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। अगर कोई ऑर्गेनाइजर किसी पर्सन को बिजनेस एग्जीबिशन जो कि बाहर हो रहा है विदेश में वो के लिए सब, मतलब बिजनेस एग्जीबिशन क्या हो रहा है, बिजनेस एग्जीबिशन, कौन सा एग्जीबिशन, बिजनेस एग्जीबिशन, पर्सनल मतलब बिजनेस एग्जीबिशन होना चाहिए, कहां पे हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ऑर्गेनाइजर कहां का है, भारत का है ना, ना तो वो टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एग्जीबिशन जो कि बाहर हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको समझाया था पहले कि कोई एजेंट या इंटरमीडिएटरी अगर भारत में लोकेटेड है ना, तो ऑब्वियसली बात है जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है वो भारत हो जाता है। अब देखो आप एग्जीबिशन कहाँ पे हो रहा है, विदेश में हो रहा है, कौन सा एग्जीबिशन, बिजनेस एग्जीबिशन, तो ऑब्वियसली बात है प्लेस ऑफ सप्लाई लेकिन भारत बन रहा था, तो गवर्नमेंट ने बिजनेस एग्जीबिशन को प्रमोट करने के लिए बोला इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, ठीक है, तो इसके ऊपर टैक्स लग जाता क्यों, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई भारत बन रहा है, ठीक है, तो अब इन्होंने एक फंडा निकाला और बोला बिजनेस एग्जीबिशन जो कि बाहर हो रहा है और जिसके लिए ऑर्गेनाइजर भारत का है और उसने सर्विसेज दी है, ठीक है, इन रिलेशन टू बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। स्लॉटलिंग ऑफ एनिमल्स एग्जम्प्ट है, ठीक है, प्री कंडीशनिंग, प्री कोलिंग, राइपनिंग, वैक्सीन है ना, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग, ठीक है, ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेरी वेरी प्री कंडीशनिंग, प्री कोलिंग, वैक्सीन, रिटेल लेबलिंग, रिटेल पैकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच डू नॉट चेंज और ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ द सेट फ्रूट ऑफ वेजिटेबल, ठीक है, तो मैंने बोला प्री कंडीशनिंग, प्री कोलिंग, वैक्सीन, राइपनिंग, रिटेल पैकिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। अब आप देखो अगर NCCCD, ठीक है, नेशनल ट्रेड सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, अगर वो कोल्ड चेन नॉलेज डिसमिनेशन से रिलेटेड सर्विसेज देता है इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST। अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया सर्विसेज देता है इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, ठीक है, लोकेटेड इन इंडिया। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम GST, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है कि अगर कोई बंदा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को कोई इंडिविजुअल कैसे सर्विसेज देता है, एज अ प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच या टीम मैनेजर, प्लेयर या तो मैं खेल रहा हूं या मैं रेफरी या एम्पायर हूं या फिर मैं कोच या टीम मैनेजर हूं, ठीक है, तो क्या क्या नहीं कवर है, क्या क्या नहीं कवर है, सेलेक्टर नहीं कवर है, कमेंटेटर नहीं कवर है, क्यूरेटर नहीं कवर है, टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं कवर है, तो ये तो टैक्स लगेगा। अगर कोई बंदा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी हो सर्विसेज देता है एज एन इंडिविजुअल है ना, अब रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी क्या होता है वो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, इंडियन मतलब वो जितनी भी चीजें, वो छह सात चीजें है, ठीक है, तो अगर मैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को देता हूँ एज अ प्लेयर, प्लेयर मैं या तो खेलता हूँ या रेफरी या एम्पायर वो भी माफ है, कोच या टीम मैनेजर वो भी माफ है, इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इट इज एग्जम्प्ट, ठीक है, तो मैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एज ए इंडिविजुअल क्या देता हूँ, प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच या टीम मैनेजर, ऐसी सर्विसेज देता हूँ वो तो माफ है, लेकिन अगर मैं सेलेक्टर, क्यूरेटर, कॉमेंट टेक्निकल एक्सपर्ट देता हूं तो वो इट इज टैक्सेबल, ठीक है, अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। अब आप समझो कि अगर मैं मान लो IPL वालों को देता हूं, ठीक है, IPL वालों को देता हूं, अब देखो ऑब्वियसली बात है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं IPL वाले, ठीक है, मान लो मैं किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलता हूं तो ऑब्वियसली बात है किंग्स 11 पंजाब इज नॉट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, सो इट इज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड द प्लेयर इज लायबल टू पे GST, ठीक है। अगर मैं IPL में एज अ प्लेयर खेलता हूं और मैं पैसे लेता हूं किससे, फ्रेंचाइजी से, तो
फ्रेंचाइजी इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी इट इज एंड इट इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर दिस एंट्री सो इट इज टैक्सेबल एंड टैक्स शुड बी पेड बाय द प्लेयर ठीक है अब देखो क्या क्या माफ है सिर्फ प्लेयर रेफरी अंपायर कोच और टीम मैनेजर ठीक है और देखो कोई रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी कोई दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज देती है तो वो भी मान लो वो भी माफ है तो मतलब बीसीसीआई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को सर्विसेज देती है तो वो भी माफ है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई को सर्विसेज देता है तो वो भी माफ है ठीक है तो फंडा ये है कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी देता है वो माफ है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को इंडिविजुअल एज अ प्लेयर रेफरी अंपायर कोच या टीम मैनेजर सर्विसेज देता है वो माफ है अगर वो एज अ कमेंटेटर क्यूरेटर टेक्निकल एक्सपर्ट देता तो वो दैट विल बी टैक्सेबल ठीक है अगर मान लो कोई कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट है मतलब आपने देखा होगा कि हम जब क्लिनिक में जाते हैं तो बहुत सारे वेस्ट होते हैं जैसे सीरेंस होती थी या इंजेक्शन होते हैं बहुत सारी चीजें तो अगर जो उसका जो ट्रीटमेंट करता है भाई ऑपरेटर्स ऑफ द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई ऑपरेटर जो कि ये चीजें उसका ट्रीटमेंट करता है मतलब उसे सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करता है इसे देता है वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट को देता है तो वो माफ है ठीक है अगर कोई बंदा बायो केमिकल वेस्ट बायो वेस्ट मेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करता है दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है ना अगर कोई मान लो पब्लिक कन्वीनियंसेस के लिए जैसे बाथरूम वॉशरूम लेबोरेटरीज यूरिनल और टॉयलेट्स के लिए सर्विसेज देता है दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी ठीक है ये तो बहुत इजी पॉइंट हो गया अब मान लो अब देखो डीजी शिपिंग ठीक है ये पॉइंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड तो डीजी शिपिंग क्या था डीजी शिपिंग अगर आप देखो तो डीजी शिपिंग जो था ना ये देखो ये सर्कुलर में से उस समय कवर होना रह गया था तो अब क्या है डीजी शिपिंग जो है ना वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया गया है और उसे ये मान लिया गया है कि वो एक ये क्या है फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन और डिग्री रिकॉग्नाइज बाय लॉ तो अब इसके लिए सिर्फ दो सर्विसेज माफ होगी कौन कौन सी एक तो बाई वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और दूसरा ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स जर्नल वाला पॉइंट क्योंकि ये क्या है क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है ठीक है तो इसे क्या है डीजी शिपिंग को वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मान लिया गया है क्योंकि ये एक क्वालिफिकेशन देता है जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है ठीक है अब एक है एक पॉइंट जो मेरे से स्किप हो गया था वो था इफेक्टिव डेट ऑफ एक्सप्लेनेशन मान लो कि एक जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आई थी वो थी 28/6/2017 को ठीक है इसके बाद इसमें एक पॉइंट इंसर्ट हुआ वो हुआ 21/9/2017 को अब हमने पढ़ा था कि अगर 8 साल के अंदर एक्सप्लेनेशन इश्यू हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो शुरू से ही थी तो इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन इशू हो जाती है 26/7/2018 को जिसकी इफेक्टिव डेट है 27/7/2018 को तो ऑब्वियसली बात है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था ठीक है अब क्वेश्चन ये था कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टेट जब फर्स्ट नोटिफिकेशन आई थी तब से होगा या फिर जब ये एंट्री इंट्रोड्यूस हुई तब से होगा तो ऑब्वियसली बात है जिस दिन ये एंट्री इंट्रोड्यूस हुई तब से होगा तो 21/9/2017 इज द राइट आंसर ठीक है और जो इसकी इफेक्टिव डेट होगी वो ये वाली डेट नहीं होगी जिस दिन एक्सप्लेनेशन की इफेक्टिव डेट है क्योंकि मैंने अगर बोला था आपको समझाया था अगर 8 साल कहां से देखोगे आप जिस दिन वो एंट्री इंसर्ट हुई थी ना कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन की डेट ठीक है तो अगर मान लो ओरिजिनल नोटिफिकेशन की डेट में कोई एंट्री इंसर्ट हुई एंट्री और एंट्री के लिए एक्सप्लेनेशन बाद में इंसर्ट हुआ तो जो एक्सप्लेनेशन के लिए 1 ईयर देखा जाएगा वो एंट्री की इंसर्शन डेट देखा जाएगा मतलब 21/9/2017 देखा जाएगा ना कि 28/9/2017 ठीक है तो यहां से 8 साल के अंदर अगर कोई एक्सप्लेनेशन इंसर्ट होती है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मीन्स 21/9/2017 ना कि 28/9/2017 ठीक है और अगर मान लो इस एक्सप्लेनेशन की जो इफेक्टिव डेट मैंशन है वो 27/7/2018 है तब भी इसका विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द एंट्री इन नोटिफिकेशन नंबर दिस एंड नॉट 27/7/2018 मतलब भले ही इसमें लिखा हो कि एक्सप्लेनेशन इस दिन इंसर्ट हुई है तब भी इसका जो इफेक्ट होगा वो उस दिन होगा जिस दिन वो इंट्रोड्यूस एंट्री शुरू में इंट्रोड्यूस हुई थी ठीक है ये भी पॉइंट हमारा कवर हो जाता है अब अगर देखो आप अब अपना पॉइंट है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फीफा मतलब या तो फीफा एंड इट सब्सिडरी मतलब या तो फीफा एंड इट सब्सिडरी जो मैं दे रहा हूँ या फीफा एंड सब्सिडरी मुझे दे रही है ठीक है टू एनी ऑफ द इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप to be hosted in India, it is exempt from GST. लेकिन condition क्या है कि director sports, ministry of youth affairs and sports have to certify that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA. मतलब या तो मैं FIFA को दे रहा हूँ या FIFA मुझे दे रहा है लेकिन condition क्या है director sports, ministry of youth affairs. किस relation में FIFA under 17 women's world cup 2020 ठीक है इससे रिलेटेड वो सर्विसेज है तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन हाउ हैव यू लाइक दिस वीडियो ठीक है